बेटा मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ बेटा एग्जांपल्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिक्स एग्जांपल्स करवाई हैं को प्राइम की। सेवन्थ एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल बेटा, शो दैट देयर आर इनफाइनाइट मेनी पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एक्स एंड वाई सेटिस्फाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100 एंड एक्स वाई का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इक्वल टू 5। बेटा इसको प्रूव करने के लिए फर्स्ट मैं एक कंडीशन रख रहा हूँ बेटा, ये लेट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100। मैंने क्या प्रूव करना है, एक्स वाई का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 5 है। लेट मैंने एक्स वाई का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर डी ले लिया। क्लियर है पॉइंट, एक्स वाई ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मैंने डी कंसीडर किया। तो बेटा यहां पे लेट एक्स इक्वल टू 5p वेयर p इज ऑड इंटीजर। मैं बता रहा हूं ये किस कैसे लिखा मैंने, अब बता रहा हूं बेटा। p इज ऑड इंटीजर सच दैट p 5 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1। अब कैसे मैं ये बता रहा हूं बेटा आपको, मैंने क्या लिखा x इक्वल टू 5p। नंबर वन मैं ये क्यों सिलेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि मैंने क्या प्रूव करना है, इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 5 है फर्स्ट। और मैंने यहां पे p को क्या लिखा और ये क्यों लिखा है ये बता रहा हूं देखो। यदि मैं x की वैल्यू 5 इंटू 1 पी की वैल्यू 1 ले तो एक तो y कितना हुआ 95। ओके और 5 और 95 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या बनेगा 5। और ये कंडीशन देखो यहां पे 1 है, 1 5 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या रहा बेटा 1। यदि मैं p की वैल्यू p और बताओ और क्यों कंसीडर किया, यदि मैं p और नहीं ले रहा तो यहां पे p की वैल्यू मैं 2 ले ली 10 और y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 90। तो एक्स वाई का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या आ रहा है 10। प्रॉब्लम आ रही है देखो यहां, तो मैंने क्या प्रूव करना है, इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 5। ऐसे आप एक्स को 3 रखो, देखो 5 इंटू सॉरी पी को 3 15 और यहां पे कितना हुआ 85, इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 5 आ रहा है बेटा। क्लियर है बेटा, देखो तो बेटा मेरा कहने का मीनिंग यही है बेटा भी हमें p को क्या रखना पड़ेगा ऑड इंटीजर, जो इस कंडीशन को क्या कर रहा है बेटा सेटिस्फाई कर रहा है। आपको ये कंडीशन क्यों जरूरी है देखो बेटा, यहां पे क्या आ गया 3 5 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कितना आ गया 1, x की वैल्यू 4 ले ली बेटा हमने, यहां पे 20 एंड 80, इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 10 बन गया बेटा। तो बेटा ये कंडीशन बाल ना देखो 3 5 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1, 1 5 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1, ये वाली कंडीशन की बात कर रहा हूं बेटा। क्लियर है, जैसे मैंने x की वैल्यू p की वैल्यू 5 ले ली बेटा, तो यहां पे क्या क्या हुआ बेटा देखो 25 75, तो यहां पे 25 आ रहा है और 5 5 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 5 बन गया। मतलब एक कंडीशन को क्या नहीं कर रहा बेटा, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। देखो यहां पे क्या आ रहा है 5 आ रहा है और यहां पे कितना होना 25। तो मैंने ये भी कहा और भी होना चाहिए और साथ में ये कंडीशन क्या करनी चाहिए सेटिस्फाई। देखो ये बारी एक नहीं बारी बेटा देखो, अब यदि ये कंडीशन नहीं लिख रहा तो अभी प्रॉब्लम आ रही है बेटा। देखो यदि मैं 1 लिखूं तो ये कंडीशन क्या होगी बेटा 5 5 का ग्रेटर कॉमन 5 हो, यहां पे क्या आ रहा है बेटा 25 आ रहा है ग्रेटेस्ट कॉमन। तो ये दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए बेटा सेटिस्फाई करनी चाहिए। So, x को क्या लिखा 5p, y कितना होगा 100 माइनस 5p, 5 20 माइनस p। अब एक बात और देखो, जो d आ रहा है बेटा यहां पे 5 10 5 10 25, जो d है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, पर जो रिजल्ट में बारह है उसमें तो 5 ही आ रहा है ना, पर मैंने क्या रखा यदि d में 5 होगा नथिंग टू प्रूव। तो यहाँ पे d की वैल्यू जो कंसीडर देख रहा हूं मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 आ रही है, तो लेट इफ मैंने d ग्रेटर देन 5 ले लिया, यदि d 5 से ग्रेट है तो यहां से कंडीशन देखियो d किसको डिवाइड कर रहा है x, बेटा x क्या है 5p, p क्या है ओड, x ओड है तो d भी नेचुरली क्या होगा बेटा ओड ही होगा, तभी डिवाइड ग्रेट यार, x यदि ओड है तो d भी क्या होगा ओड। मेरा पॉइंट क्लियर है बेटा। और सेकंड कंडीशन देखो बेटा, डी एक्स को भी डिवाइड कर रहा है
डी वाई को अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर डी इनके सम को भी डिवाइड करेगा, तो डी इनका सम किसके इक्वल है 100, तो 100 को क्या क्या वैल्यूज डिवाइड कर रही है बेटा देखो, 10, 20, 25, ओके, उसके बाद 50, 100, तो एक बात तो डी क्या है यहाँ पे और कौन सी टर्म है यहाँ पे ओनली 25, तो डी कितना होगा बेटा मेरे पास 25, 25 डिवाइड x, x किसके इक्वल है बेटा 5p, इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा 5 डिवाइड p, 5p को क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, बट अब यहाँ पे देखो p 5 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कितना है 1, तो अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, तो d क्या हुआ बेटा 5, तो मेरे पास ये कंडीशन आ गई x y का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या आ गया 5, तो बेटा x यहाँ पे p क्या है ओड इंटीजर है, ओड इंटीजर क्या हो गया इनफिनाइट, जैसे x की वैल्यू पे यहाँ पे p की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या आ रही है इनफिनाइट, तो y की वैल्यू भी क्या आएगी बेटा इनफिनाइट, यदि x एंड y की वैल्यू इनफिनाइट आ रही है ये ही हमने क्या करना है बेटा प्रूव, जो है बोथ कंडीशन को क्या कर रहे हैं बेटा सेटिस्फाई, मेन पॉइंट बेटा ये है जब उन्हें x को कहेगा 5p, p क्या है ऑड इंटीजर मैंने आपको बताया, नेक्स्ट एग्जांपल बेटा एग्जांपल नंबर ए, इसमें क्या है बेटा एग्जाम्पल एट, लेट डी एंड जी आर टू पॉजिटिव इंटीजर, लेट डी एंड जी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, प्रूव दैट दे आर इंटीजर एक्स एंड वाई सेटिस्फाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू जी एंड एक्स वाई का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर डी इफ एंड ओनली इफ डी डिवाइड जी, बेटा ये प्रूव करना है, तो सिंपल है बेटा, पहले देखो मैंने ये कंडीशन रख ली लेट एक्स वाई किसके इक्वल है डी, मैंने क्या प्रूव करना है डी डिवाइड जी, तो डी डिवाइड एक्स डी डिवाइड वाई, डी इनके सम को भी क्या करेगा बेटा डिवाइड, तो डी किस किस ये इसका सम किसके इक्वल है जी, तो डी जी को क्या कर रहा है बेटा डिवाइड कर रहा है, कन्वर्सली बेटा मैंने लिख लिया लेट डी डिवाइड जी, तो जी किसके इक्वल आ गया बेटा के डी, ये लिख लिया बेटा, तो बेटा बोथ कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, टेक मैंने एक्स प्लस वाई को जी ले लिया, मैंने क्या प्रूव करना है बेटा एक्स वाई का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है बेटा टी है, मैंने ये प्रूव करना है, देखो जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल बताया एक्स वाई का ग्रेटर कॉमन 5 लेना था, तो मैंने क्या कंसीडर किया था एक्स को 5 पी, तो यहाँ पे लेट टेक मैंने एक्स को क्या ले लिया डी, आपको कोई वहां पे तो अपने 5 पी पी इज इनफाइनाइट पी इज ऑड इंटीजर, वहां पे मैंने क्या प्रूव करना था इनफाइनाइट इंटीजर, मैंने यहाँ पे तो ये बताना भी है एक्स वाई आएंगे जो इस कंडीशन को क्या करेंगे सेटिस्फाई, तो मैं सिंपल एक टर्म ले ली बेटा एक्स की वैल्यू टी ले ली, तो वाई किसके इक्वल है जी माइनस डी, ओके, तो जी किसके इक्वल है बेटा के डी माइनस डी के माइनस वन डी, तो बेटा एक्स वाई डी के माइनस वन डी, तो डी कॉमन वन के माइनस वन, अब तो वन है तो इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या आएगा बेटा वन, तो किसके इक्वल आ गया डी, यही हमने क्या करना था बेटा प्रूफ, ऐसे बेटा नेक्स्ट है नाइन्थ, डी एंड पी आर टू पॉजिटिव इंटीजर, डी एंड पी आर टू पॉजिटिव इंटीजर, प्रूव दैट देर आर इंटीजर एक्स एंड वाई सेटिस्फाई एक्स वाई इक्वल टू पी एंड एक्स वाई का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर डी इफ एंड ओनली इफ डी स्केयर डिवाइड पी, बेटा पहले मैंने ले लिया ये कंडीशन एक्स वाई इक्वल टू पी एक्स वाई का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर डी, मैंने क्या प्रूव करना है डी स्केयर डिवाइड पी, तो डी डिवाइड एक्स डी डिवाइड वाई एक्स के वन डी वाई के टू डी पुट इन दिस वन एक्स वाई इक्वल टू पी k1 k2 d स्क्वायर इक्वल टू p d स्क्वायर इसको डिवाइड कर रहा है तो d स्क्वायर किसको डिवाइड करेगा p को, कन्वर्सली अब वैसे जैसे पहले प्रूव किया बेटा अब कन्वर्सली क्या है हमें k1 कन्वर्सली
डी स्केयर डिवाइड पी, पी क्या लिखा मैंने डी स्केयर के, क्लियर है। तो यहां पे क्या प्रूव करना है, टेक एक्स को मैंने क्या करना है बेटा, एक्स वाई इक्वल टू पी मैंने प्रूव करना है, एक्स वाई का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर डी, मैंने एक्स को डी ले लिया बेटा। तो यहां पे पुट कीजिए आप डी वाई इक्वल टू पी, पी किसके इक्वल है डी स्केयर के, तो वाई किसके इक्वल आ गया बेटा डी के, तो एक्स वाई का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर एक्स डी वाई डी के, डी वन के, वन के का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वन, तो किसके इक्वल आ गया बेटा डी। ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो में अभी एग्जांपल और भी है बेटा, कंटिन्यू करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच।